वेजाइना से होने वाला वाइट डिस्चार्ज, जैसे कि मेडिकल भाषा में ल्यूकोरिया भी बोला जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वाइट डिस्चार्ज होता है ये बहुत सारे केसेस में नॉर्मल होता है, जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम में या फिर जब आप सेक्सुअली एराउस होते हैं उस टाइम में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है वो नॉर्मल होता है। इसके साथ साथ जो ओविलेशन का टाइम होता है उस टाइम पे थोड़ा बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है। इसके साथ जो मेंसेस है, मेंसेस के पहले और बाद में थोड़ा बहुत वेजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल होता है। लेकिन जब ये वाइट डिस्चार्ज जो है बहुत दिनों तक चल रहा हो, कई दिनों से कंटिन्यूसली आपको वाइट डिस्चार्ज हो रहा हो, इसमें से बदबू आ रही हो, या फिर इसकी वजह से जो आपकी वेजाइना है वहाँ पर जलन या बर्निंग या इचिंग की प्रॉब्लम वहाँ पर हो रही हो इसके साथ में, या फिर आपको दर्द हो, या फिर ये जो डिस्चार्ज है इसका कलर चेंज हो जाए, जैसे कि ब्राउनिश, रेडिश या येलोइश कलर हो, या फिर ग्रीनिश कलर भी होता है कई बार। तो फ्रेंड्स, अगर इस तरीके की समस्या हो रही है तो ऐसे में आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए और आपको बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, ज़्यादातर महिलाएं जो होती हैं वो ल्यूकोरिया की समस्या को लेकर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती हैं, वो ये सोचती हैं कि ये सब नॉर्मल है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर ये कंडीशन आपको ज़्यादा दिनों से चल रही है, या फिर आपको कोई और साथ में प्रॉब्लम हो रही है, या जो डिस्चार्ज है इसका कलर चेंज है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, इसकी पूरी जांच करवाना चाहिए। ये जो इन्फेक्शन होता है ये कई बार फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या ट्राइकोमोनियसिस इन्फेक्शन भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपको कोई और वेजाइनल प्रॉब्लम हो रही हो। तो फ्रेंड्स, इसको आपको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आगे हम बात करेंगे कि इसके लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ कारणों के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम कारणों की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसमें बैक्टीरियल कारण हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में जो होता है वेजाइना में बहुत तेज इचिंग का आपको एहसास होता है। इसके अलावा ये जो वाइट डिस्चार्ज है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ के कारण हो सकता है, स्पेशली जिसमें कि ट्राइकोमोनेसिस बहुत कॉमन है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मोस्टली देखा गया है कि रेडिश और ब्राउनिश वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। इसके साथ साथ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ के अंदर वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, या फिर वेजाइना की टीवी होने के कारण आपको वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। कई बार जो वेजाइना है उसकी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन ना करने के कारण, साफ सफाई ना करने के कारण भी जो है वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इसके साथ साथ देखा गया है कि जो महिलाएं खाना ठीक से नहीं खाती हैं, काफ़ी टाइम तक भूखी रहती हैं, या जिन्हें एनीमिया की शिकायत होती है, माल नरिश्ड रहती हैं, अंडर नरिश्ड रहती हैं, उनमें भी वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखी जाती है। फ्रेंड्स, ये कुछ कारण होते हैं जिनके कारण की वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। इसके अलावा भी कुछ महिलाओं में तंबाकू खाने के कारण या स्मोकिंग करने के कारण भी वेजाइनल डिस्चार्ज की प्रॉब्लम देखी जाती है। तो फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें होम्योपैथी ट्रीटमेंट की, तो होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी जो होगा वो सिम्टम्स पर बेस होता है, यानी कि जो आपका ल्यूकोरिया है उसका क्या कलर है, ये कब कब आपको होता है, जो आपके लाइफ स्टाइल है उसमें क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से ये ल्यूकोरिया हो रहा है, तो इन सब पर बेस्ड होता है। तो फ्रेंड्स, एक बेनिफिट इसका ये होता है कि इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये जो मेडिसिन है ये कोई किसी तरीके की आपके शरीर में गर्मी को नहीं बढ़ाती है, तो जिससे ये फर्दर ल्यूकोरिया होने के चांसेस आपको कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ एक बार ये जो ल्यूकोरिया ठीक हो जाता है और आप प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, आपके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, तो आपको जो रिकरेंस है उसके चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं। इसके साथ जो आपका ल्यूकोरिया है, भले ही ये मेडिसिन सिम्टम्स पर बेस होती है, लेकिन जो इसका रीज़न है कि किस वजह से ये ल्यूकोरिया हो रहा था, तो उसको भी ये ठीक करती हैं, यानी कि जड़ से आपके ल्यूकोरिया के ट्रीटमेंट होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट चूज़ करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें होम्योपैथी मेडिसिन की, तो यहाँ पर कुछ बेहतरीन होम्योपैथी मेडिसिन हमें ल्यूकोरिया के केस में यूज़ करना होती हैं, जिसमें कि पहली मेडिसिन होती है बोरेक्स। तो फ्रेंड्स, ये जो बोरेक्स मेडिसिन है ये ल्यूकोरिया के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली अगर हम कैरेक्टर देखें कि ल्यूकोरिया किस तरीके का होगा, तो यहाँ पर जो आपका वाइट डिस्चार्ज है वो ट्रांसपेरेंट होता है, या फिर हल्का वाइटिश कलर का होता है। जो आपकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ल्यूकोरिया की, मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको ये वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तब ऐसे कंडीशन में आपको बोरेक्स मेडिसिन का यूज़ करना है। मोस्टली केसेस में देखा गया है कि हीट बहुत ज़्यादा फील होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमको बोरेक्स मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इस मेडिसिन को 4-4 पिल्स दिन में 3 बार यूज़ किया जा सकता है, और लगभग 15 दिन तक आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन है मर्कसोल।
ये जो मेडिसिन है ये ऐसे ल्यूकोरिया के लिए यूज़ की जाती है जहाँ पर जो डिस्चार्ज है वो ग्रीनिश येलो रहता है और रात के समय आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आपको वेजाइना में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वेजाइना के आसपास का जो भी पूरा एरिया है वहाँ पर भी आपको पूरा स्वेलिंग रहती है। और ये जो एक्रिड ल्यूकोरिया रहता है, मतलब अगर ये कहीं पर भी लगता है तो वहाँ पर भी आपको बर्निंग और इचिंग शुरू हो जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन रहती है ल्यूकोरिया के लिए जब आपको इस तरीके के सिम्टम्स मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगली हमारी मेडिसिन रहती है नेट्रम्यूर। तो नेट्रम्यूर ल्यूकोरिया के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन रहती है, स्पेशली यंग गर्ल्स के लिए और जहाँ पर जो ल्यूकोरिया है काफ़ी थिक हो, वाइट हो लेकिन थिक बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमको नेट्रम्यूर यूज़ करनी होती है। अगर पेशेंट की बात करें तो ये बहुत ही लीन एंड थिन पेशेंट होते हैं, कई बार देखा गया है कि इनको एनीमिया भी होता है और इनको जो भूख है वो भी प्रॉपर नहीं लगती है, तो उन केसेस में हमको नेट्रम्यूर मेडिसिन यूज़ करनी है। और नेट्रम्यूर मेडिसिन के अंदर स्पेशली जो ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है वो वॉकिंग करते टाइम बढ़ जाती है। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप चलना शुरू करते हैं और चलते हैं तब आपको ये ल्यूकोरिया डिस्चार्ज होने लगता है, तब ऐसी कंडीशन में आपको नेट्रम्यूर मेडिसिन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ल्यूकोरिया के लिए एक और जो इफेक्टिव मेडिसिन रहती है वो रहती है कैल्केरिया कार्ब। तो मोस्टली हम लोग ये जो मेडिसिन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के तौर पर देते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरीके का ल्यूकोरिया मिलता है जो कि एक्सर्शन के टाइम पर बढ़ जाता है, अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या कोई रनिंग या एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं उस टाइम पे ये बढ़ रहा है, तब आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है। इसमें जो ल्यूकोरिया रहता है उसमें डिस्चार्ज रहता है मिल्की वाइट कलर का, आप कर्ड की तरह भी बोल सकते हैं, तो कर्ड लाइक या मिल्की वाइट काइंड ऑफ डिस्चार्ज रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ल्यूकोरिया के केसेस के लिए अगली जो एक बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है वो रहती है एल्यूमिना। इसमें स्ट्रिंगी काइंड ऑफ डिस्चार्ज होता है, मतलब जो ल्यूकोरिया है वो आपके एड़े तक ऐसे ही एक धागे की तरह बनता हुआ चला जाता है, तो इस तरीके का इसमें डिस्चार्ज रहता है। ये जो डिस्चार्ज है देखने में ये ट्रांसपेरेंट रहता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और वेजाइना में इचिंग और बर्निंग प्रोड्यूस करता है। तो फ्रेंड्स, इसमें भी जो डिस्चार्ज है वो बहुत ज़्यादा एक्रिड होता है, मतलब कि जलन पैदा करने वाला होता है, और साथ में ये जो डिस्चार्ज है ये मॉर्निंग के समय में ज़्यादा होगा और दिन के समय में आपको ये डिस्चार्ज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपको एल्यूमिना मेडिसिन का यूज़ करना है, तो आप देखेंगे कि जो आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है उससे रिलीफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगली हमारी ल्यूकोरिया के लिए जो एक बहुत अच्छी मेडिसिन है वो है सीपिया। ये बहुत सारी फीमेल कंप्लेंट्स के में यूज़ की जाती है, स्पेशली ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव रहती है जब मीनोपॉज में हमें ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही हो। ये जो डिस्चार्ज है ये येलोइश कलर का हो और साथ में वल्वा और वेजाइना में काफ़ी ज़्यादा इचिंग हो, और फंगल इन्फेक्शन के लिए भी ये मेडिसिन जो है बहुत इफेक्टिव मेडिसिन मानी जाती है। और वो लेडीज़ जो कि पानी में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कि कपड़े धोने का या बर्तन मांजने का बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उन लेडीज़ में अगर ल्यूकोरिया कंटिन्यूसली बना रहता है तो ये सीपिया मेडिसिन देने से उनको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिलता है। ल्यूकोरिया के केसेस के लिए एक और जो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है वो रहती है पल्सेटिला। तो जब किसी महिला को मासिक चक्र से संबंधित प्रॉब्लम्स भी हो और साथ में जो उसकी वेजाइना है वो काफ़ी ड्राई रहती हो, और ये जो महिला है इसको थर्स्ट बहुत कम लगती हो, ये बहुत कम पानी पीती हो, लेकिन जो इनको केक पेस्ट्रीज ये सब चीज़ें खाने की काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर रहती है, तो ऐसे केसेस में हमको पल्सेटिला मेडिसिन के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और इसके साथ जैसा कि मैंने आपको एक और वीडियो में बताया था कि वो छोटी बच्चियाँ जिनको कि सिर्फ मॉर्निंग के समय में वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, तो उनके लिए भी ये पल्सेटिला मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव रहती है। इसके साथ जो हमारी एक और मेडिसिन है फ्रेंड्स, क्रियोजोटम। ये जो मेडिसिन है ये उन महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है जिनके लिए वाइट डिस्चार्ज में जो है काफ़ी स्मेल आ रही हो, बहुत ऑफेंसिव हो, बहुत बदबूदार हो, और जो डिस्चार्ज है वो डार्क कलर का हो, जैसे कि ब्राउनिश या रेडिश कलर का जो डिस्चार्ज होता है, अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो ऐसे में हमको क्रियोसोटम मेडिसिन का यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि ये ल्यूकोरिया के लिए कुछ बेस्ट मेडिसिन होती हैं और उनके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स भी आपको मैंने बताए। इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स होते हैं जिन सभी को एक वीडियो में कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम हो रही है या आपको कुछ अलग तरीके के सिम्टम्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं और किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में आप बिल्कुल संकोच ना करें और आपका पूरा ट्रीटमेंट लें, होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेके आप इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है इससे संबंधित तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।